Water tank is full. Switch off the motor. सावधान. पानी की टंकी भर गई है. कृपया मोटर बंद कीजिए. Attention please. नमस्कार दोस्तों, मिस्टर होममेड चैनल में आपका स्वागत है. मैं हूं गेस कुमार. दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में वाटर ओवरफ्लो बेल लगी है, ये देखिए वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म. तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब कभी टैंकी भर जाती है, हम बाथरूम में होते हैं, अगर स्विच बाहर होगा तो हम उसे ऑफ नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आपको साउंड पोल्यूशन काफ़ी होता है और आपकी टंकी भरने के बाद पानी बाहर गिरता रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम टंकी भरने पर कई बार मोटर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब मोटर बंद करेंगे तभी यह अलार्म बंद होगा. तो इसका सलूशन छोटा सा मैंने निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है. आपने इस वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म को उतार देना है और आपको मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है. देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक टंकी का ढक्कन लिया है, जो आपकी पानी वाली टंकी है, हमने एक उसका ढक्कन लिया है और आपने एक ये लीव स्विच लेना है, इसे लीव स्विच बोलते हैं. आपने देखा होगा कि ये आरओ में भी लगा होता है. ठीक है फ्रेंड्स, इसका काम है आटो कट करना. ये देखिए, इसको इसकी आवाज़ आ रही है स्विचों की ऑन ऑफ होने की. जैसे ही आपकी टंकी भरेगी तो ऐसे ये स्विच हो जाएगा. ये टू वे स्विचेस फ्रेंड्स. तो आपने, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे चेक करना है. इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेना है आपने. ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये इसका कॉमन पॉइंट है, ये वाला. ये देखिए, एक वायर ऊपर लगाता हूँ और एक नीचे लगाता हूँ. देखिए मल्टीमीटर की बीप सुनाई दे रही है आपको. अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो बीप नहीं आएगी. ठीक है फ्रेंड, ये बीप कैसे आएगी? उल्टा. देखिए फ्रेंड्स, बीप आ रही है. तो हमने फ्रेंड्स एक ऊपर वायर लगानी है यहाँ पे और एक लगानी है यहाँ पे. ये देखिए बीप कर रहा है मल्टीमीटर, क्योंकि जब हमारी टंकी खाली हो तब मोटर ऑन हो जाए और टंकी भरने के बाद जब फुल आए, जब आपकी टंकी पानी से बिल्कुल भर जाए तो बंद हो जाए. ये देखिए, मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ. ये देखिए आपको बीप सुन रही है. अब इसको मैं नीचे दबाऊंगा तो बीप बंद हो जाएगी. अभी देखिए ये चल पड़ेगी. तो फ्रेंड्स मैं आपको अब बताऊंगा कि इसको लगाना आपने कैसे है. आपने सबसे पहले टंकी के ढक्कन में होल करना है, सेंटर में किसी बिल्कुल तीखी चीज़ से. स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके भी ये काम कर सकते हो आप, और किसी तीखी चीज़ से भी कर सकते हो. फ्रेंड्स आपने इसको उतार लेना है, स्विच को ऐसे ही खुल जाता है. आपने होल बिल्कुल इसके साइज का करना है. ठीक है फ्रेंड्स, आपका फिटिंग हो गया. तो आपने इसको ढक्कन के नीचे की साइड लगाना है, वाशल डाल लेनी है आपने. ऐसे वाशल डाल के इसको ढक्कन के नीचे की तरफ लगाना है.
और ऊपर से ये नट कस देना है अच्छी तरह। और फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि ये बिल्कुल लूज होना चाहिए, लूज ऐसे लूज होना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल लूज है, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, अगर ये टाइट होगा तो काम नहीं करेगा अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने इसके ऊपर ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड इसकी वायरिंग को कवर करने के लिए हमने ये कवर लिया है, इसको पहले नीचे लगा लेते हैं, ऊपर थोड़ा दिक्कत होगी तो नीचे इसके होल कर लेते हैं। तो उसी होल में ये दोबारा लग जाएगा। ये फ्रेंड्स ये कवर हमने इसलिए देना है कि इनकी तारों के कनेक्शन पर बिल्कुल भी पानी ना पड़े। देखिए ये काफ़ी ऊंचा है, अगर पानी इसके ऊपर गिर भी जाए तो यहाँ पे पॉइंट पर नहीं पहुँचेगा, लेकिन पॉइंट्स को कवर करने के लिए हमने ये ऊपर इसके ढक्कन लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स ये आपकी टंकी का ढक्कन बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ढक्कन कैसे लगाना है टंकी के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स हम अब टंकी के पास पहुंच गए हैं, ये हमारी टंकी का ढक्कन टूटा हुआ है तो इसे हमने चेंज भी करना है। इसको उतार देते हैं, इस पर हम ये नए वाला ढक्कन लगाएंगे। नए वाला ढक्कन लगाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखिए ये हमने ओवरफ्लो वेल के कनेक्शन किए हुए थे तो इसे हमने खोल लेना है, इसी बात से हमने यूज करना है। खोल लेना है बिल्कुल, और वायर को आपने बाहर निकाल लेना है। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस वायर में बिल्कुल भी कोई कट नहीं होना चाहिए, रास्ते में बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए, अगर कट होगा तो किसी को करंट लग सकता है। ये वायर बिल्कुल आपकी बढ़िया होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, टंकी का ढक्कन को लगाएंगे पहले। ये देखिए सब खोल लेना, अपने उतार लेना, उतार के इससे कनेक्शन करनी है। देखिए फ्रेंड्स ये वायर पर थोड़ा सा कार्बन है, आपने थोड़ी और वायर छील लेनी है। ना चल कैम मैं ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था ये वाला पॉइंट कॉमन है तो आपने कॉमन भी लगानी है वायर। बिल्कुल टाइट करके लगाना है फ्रेंड्स आपने, बिल्कुल भी स्पार्क ना हो। वैसे अगर आपके पास थिम्बल है तो आप थिम्बल भी लगा सकते हो, मेरे पास थिम्बल नहीं है तो मैंने ऐसे वायर लगाई है आपके सामने। तो अच्छे से टेप भी करनी है आपने इस पॉइंट पे।
ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह टाइट होगी वायर, तो हमने इसको भी अच्छे से टेप करनी है। फ्रेंड्स ये आपको पता है कि हमारा पानी बहुत ही जीवन के लिए ज़रूरी है, तो हमने पानी को कैसे सेव करना है, ये बहुत ही अच्छा है पानी को सेव करने का, और इससे आपका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये गार्ड लगाई है कि अगर वायर खींच जाए तो इन पॉइंट्स में से ना उतरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसको ऐसे कवर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी तार बिल्कुल भी खींची नहीं जाएगी, तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये वायर कहाँ जा रही है। ये देखिए वायर खींची से नीचे होते हुए ये नीचे जा रही है। ये देखिए ये दीवार के साथ होते हुए ये वायर नीचे जा रही है। ये देखिए ये वायर जा रही है। ये देखिए ये देखिए वायर फ्रेंड्स, ये वायर यहाँ से पाइप में होते हुए अंदर जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पाइप वायर, ये वाली वायर अंदर आ रही है। तो जो हमने वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म के साथ लगाई है, तो हमने इसको यहाँ से खोल देना है, इस वायर को हमने खोल देना है यहाँ से, और मैं आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ पर लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अलार्म वाटर टैंक को जो पावर दी हुई है, ये देखिए इसकी सप्लाई की वायर, ये एक निकली हुई थी तो दूसरी भी निकाल देनी है हमने। इसके साथ ये ऊपर से जो वायर आ रही है हमने ये अटैच कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये मोटर के कनेक्शन किए हुए थे, ये देखिए हमने ये दो वायरें दिए हैं ग्रीन, जो ऊपर ओवरफ्लो वाटर टैंक को सप्लाई दी थी। तो हमने क्या करना है, ये देखिए हमने वायरिंग को कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए। ये फ्रेंड्स हमारी बेल वाली वायर थी ग्रीन, जो हमने बेल को लगाई थी, तो हमने ये निकाल देनी है। ये मोटर की वायरिंग है, मोटर की वायरिंग को आपने कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक वायर यहाँ पे लगा देनी है, और बच गई ये दोनों वायरें, तो हमने ये दोनों मोटर में लगानी है। इससे क्या होगा, आपका लीव स्विच काम करने लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
और इस वायर को आपने अच्छे से टेप कर देनी है। अब हम देखते हैं कि मोटर ऑन हो रही है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोटर का स्विच है, हम इसे ऑन करेंगे और मोटर की आवाज़ आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मोटर आपकी ऑन हो गई है। अब हमने देखना है कि पानी की टंकी भरने के बाद मोटर बंद होती है अपने आप कि नहीं बंद होती। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम टंकी के पास आ गए हैं, हम देख रहे हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो देखिए फ्रेंड, पानी चल रहा है, तो हम पानी चल रहा है तो जैसे ही हम यहाँ से ऊपर करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, आपकी मोटर बिल्कुल बंद हो गई है। फ्रेंड्स अगर पानी भर जाएगा तो ये फ्लूड क्या है ऊपर चला जाएगा और आपकी टंकी ऐसे बंद हो जाएगी। देखिए मैं फिर इसको छोड़ता हूँ और पानी आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार और आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए पानी फिर बंद हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।